तो जैसे ये पर्सपेक्टिव था, अब पर्सपेक्टिव के बाद हमारे पास में एक और टूल है जिसका नाम है स्क्यू। अब ये स्क्यू कैसे काम करेगा, मिसाल के तौर पे कोई भी शेप आपने ड्रॉ किया या कोई भी पिक्चर लगाया, तो जब वो ड्रॉ हो गया शेप या पिक्चर, तो जब ये ड्रॉ हो जाता है इसके अंदर हमने कोई कलर वगैरह फिल कर दिया या जो भी चॉइस आपने इस पर लगा दी, यहाँ से क्लिक करके आपने इसको रन कर दिया, क्लिक किया यहाँ से आगे यहाँ लिया। अब प्रस्पेक्टिव या स्क्यू आप कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर जो स्क्यू आप लगाएंगे तो यहाँ से स्क्यू पे क्लिक करेंगे और आप इसको जो है इस तरीके से एक साइड कोई भी ऐसे आगे ले जा सकते हैं और यहाँ से पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्टॉर्ट की तरह ये फ्रीली मूव नहीं करेगा, या तो ये आगे जाएगा या फिर पीछे आएगा या ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। डिस्टॉर्ट तो देखें इधर यहाँ बीच में भी ले आ रहे थे उससे आप, ठीक है। और पर्सपेक्टिव की तरह दोनों एंगल पे काम नहीं करेगा, एक साइड पे करेगा काम। तो जैसे अगर आपको इस तरह का कोई शेप जनरेट करना था या इस तरह का कोई मामला जो है इस तरीके से बनाना था, कोई इस तरह के चेंजेस इमेजेस के अंदर अगर आपको करनी हो, तो वो आप इजीली पर्सपेक्टिव के जरिए स्क्यू के जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया हमारा स्केल। अच्छा स्केल तो हम यूज़ करते रहे, जो हम नॉर्मली कंट्रोल टी दबाते हैं, जो कोई भी हमारा शेप होता है या कोई इमेज होता है, जब भी हम उसके ऊपर कंट्रोल टी दबा रहे होते हैं, तो जब कंट्रोल टी दबाते हैं ऑल्टर शिफ्ट के साथ हम साइजेस को री कम कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, यही काम स्केल का है। तो आप ये बाय डिफॉल्ट स्केल पर ही होते हैं, हम स्केल को जैसे आप करेंगे देखें एक तरफ से बढ़ रहा है छोटा हो रहा है, तो अगर आप ऑल्टर दबा देंगे तो ये चारों तरफ से बढ़ रहा है छोटा हो रहा है, और अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये एक ही साइड पर जा रहा है बगैर शिफ्ट के या जैसे भी था। तो अब अगर ऑल्टर शिफ्ट दबाएंगे तो फिर चारों साइड पे इक्वल बढ़ेगा और इक्वली छोटा हो जाएगा, तो ये स्केल के मदद से हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास इसमें आता है वार्प। तो ये वार्प क्या कर रहा होता है, वार्प के मतलब ये कि फोल्ड कर देना, लपेट देना किसी भी चीज़ को। तो किस तरीके से काम करेगा ये, तो यहाँ पर देखिए अगर हमने कोई भी शेप बनाया है तो, या कोई इमेज है, ये कुछ भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है कोई इमेज भी हो सकता है, तो हम इसमें कोई कलर भर लेते हैं और स्ट्रोक खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके इसको वार्प कैसे करना है, तो देखिए एडिट पे जाके आप पहले क्लिक करेंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन में और वार्प के ऊपर। वार्प पे क्लिक करने के बाद पहले कस्टम वार्प को देख लें, यहाँ पे बने बनाए वार्प्स हैं जिसमें आर्क इस तरह का शेप आप क्रिएट कर सकते हैं, आर्च, ठीक है, फिर आप इसको ब्लज और फिर इसको जो है बल के बाद जो है फिश शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लैग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बने बनाए शेप्स हैं, मतलब इसमें आपका जो है ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा और ये इजीली इसको शेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आते हैं कस्टम के ऊपर। तो कस्टम शेप्स के अंदर फिर आप खुद इसको मूव कर रहे होते हैं किसी भी शेप को, जैसे ये इसके एंकर्स हैं, इस एंकर को आपने इस तरह से कर दिया, ये इस तरह का शेप निकल आया, इस एंकर को पकड़ के ऐसे कर दिया आपने, ये इस तरह का शेप निकल आया, या इस एंकर को पकड़ के आपने ऐसे कर दिया तो ये शेप निकल आया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से और हमने इसको चेंज किया, तो यहाँ से पकड़ के हम इसको आगे ले गए, तो यहाँ पे पकड़ के ये इसको अंदर कर दिया इसको इस तरीके से। तो इस तरह से शेप के जितने भी ये एंकर्स होंगे आप उन एंकर्स को मूव कर सकते हैं, और एंकर्स को मूव करके कोई ना कोई शेप आप इजीली इसके अंदर से जनरेट कर सकते हैं और वो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो मकसद कहने का ये है कि फिर आप ऑब्जेक्ट को जो वार्प लगाएंगे तो उसके बाद आप उसको जिस भी इफेक्ट में या शेप में कन्वर्ट करना चाहें वो इजीली यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी रह जाते हैं रोटेट 180 डिग्री, 90 डिग्री, CW क्लॉक वाइज, CCW काउंटर क्लॉक वाइज, ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं, ये बहुत सिंपल से शेप या इमेजेस पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी इमेज है जो हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ, तो वो यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। अब इसको अगर मुझे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉक वाइज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में जब रोटेट करूंगा इसको तो ये देखें इस पे, ये देखें 90 डिग्री में रोटेट हो गया। और अगर दोबारा से इसको सीधा करना है यानी कि तो 90 डिग्री CCW करूंगा तो दोबारा सीधा हो गया, मतलब वो ऐसे घूमेगा काउंटर क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज ऐसे घूमेगा, मतलब घड़ी के कांटों की तरह और घड़ी के कांटों के अपोजिट इस तरह से। डायरेक्टली इसको 180 डिग्री पे रोटेट करना है तो 180 डिग्री यहाँ गया, मतलब 90 और 90, तो ये इस तरह से हो जाना चाहिए, ये 90 और 90 180 डिग्री पे उल्टा हो जाना चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो उल्टा है 180 डिग्री के ऊपर दोबारा से करेंगे तो सीधा हो जाएगा, और इसी चीज़ को अगर कोई ऑब्जेक्ट उल्टा है और उसको ऐसे उल्टा करना है, ये उल्टा हो गया और उसको सीधा करना है, तो ये फ्लिप वर्टिकल करके भी इसको सीधा किया जा सकता है, और अगर सीधा है तो उसको उल्टा भी किया जा सकता है, यानी कि इस तरह से ये इसकी डायरेक्शन को भी ऐसे चेंज किया जा सकता है। तो
तो ये रोटेशंस के ऑप्शन सारे होते हैं। अब यहाँ पे भी रोटेशन दिया हुआ है आपको, और फिर एक रोटेशन आपको यहाँ पर भी दिया गया है, इमेज के अंदर रोटेशंस भी दिया गया है। तो ये यहाँ पे इमेज रोटेशंस और सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। अब इस वाले रोटेशन में और इस वाले रोटेशन में क्या फर्क है ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि जैसे कि हमने इसी इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी ली कंट्रोल जे करके। अब जो कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कॉपी ली तो मैंने एक उठा के इसके सामने लगा दिया। अब इसी एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं, इसको मुझे फ्लिप करना है। फ्लिप करूंगा कैसे कि ये जो इस साइड है वो इस साइड पे घूम जाए तो ऐसा आ जाए। तो अगर मुझे सिर्फ इसी को फ्लिप करना है तो इसकी इसका जो इमेज है उस पर क्लिक करना है। और अगर मैंने जाके वो यहाँ से किया इमेज में जाके रोटेशंस में फ्लिप कैनवेस, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फ्लिप कैनवेस हॉरिजेंटली, तो कैनवस पूरा हॉरिजेंटली फ्लिप होगा, कैनवस पूरा हॉरिजेंटली वर्टिकल होगा, कैनवस पूरा 90 डिग्री पे मूव होगा, कैनवस पूरा 90 डिग्री पे काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा, कैनवस पूरा 180 डिग्री पे मूव होगा। कैनवस का मतलब है कि कैनवस ये पूरा जो पोर्शन है जिसके अंदर ये बना हुआ है और उसके अंदर जितनी लेयर्स है सारा, अगर आप सबके सबको ही मूव करना चाहते हैं तो फिर आप इमेज में जाके रोटेशन में यहाँ से कोई भी घुमा दें तो ये देखें पूरा ऑब्जेक्ट, इवन पीछे वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर, तीनों ही रोटेट हो गई, और इवन जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे हमारे इसके ऊपर वो सारे के सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते थे कि नहीं यार ये सारा नहीं हो, बस ये वाली पिक्चर को रोटेट करना है या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इस पे करनी है, तो यहाँ जाके आप करेंगे फ्लिप हॉरिजेंटल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सीधा होगा। तो ये याद रखेंगे यहाँ से रोटेशंस में और यहाँ से रोटेशन में क्या वेरिएशन है और क्या डिफरेंस है, कि जब भी आप काम करें तो आपको ये समझ में आ जाए।